हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको फॉरेक्स के बेसिक्स समझाऊंगा, ठीक है। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको जो ये बिड रेट एंड आस्क रेट जो समझाया जाता है, और जो आपको डायरेक्ट कोड इनडायरेक्ट कोड जो भी समझाया जाता है, आप सब भूल जाए टेम्प्रेरीली, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ शॉपकीपर का, ठीक है। शॉपकीपर के पास मैं मतलब शॉपकीपर जो है पेन बेचता है, शॉपकीपर पेन बेचता है 10 रुपीज़ में, खरीदता है 9 रुपीज़ में, तो ये 9 रुपीज़ को हम कहते हैं बाइंग रेट ऑफ शॉपकीपर, और ये 10 रुपीज़ को हम बोलते हैं शॉपकीपर का सेलिंग रेट, ठीक है। अब बोलोगे इसका लिंक क्या है, अब मैं इसी एग्जांपल को इसके साथ लिंक करता हूँ हमारे फॉरेक्स चैप्टर के साथ, ठीक है। यहाँ पे है थोराइज जिला, ठीक है। ये जैसे ये पेन उसका कमोडिटी है, ठीक है, मतलब पेन उसके क्या बोलते हैं स्टॉक बोल सकते हैं, या जिसमें वो डील करता है वो है, वैसे ही ऑथोराइज डीलर का है डॉलर, या दूसरे करेंसी ले लें आप पाउंड्स वगैरह फ्रेंच फ्रैंक, वो उसकी कमोडिटी है, ठीक है। तो वो डॉलर 65 में ख़रीदता है और 66 में बेचता है, एज सिंपल एज दैट। आपको डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट और ये क्या बोलते बिड रेट आस्क रेट सब भूल जाए, सब भूल जाए, इतना याद रखे, ठीक है। ये जो होता है ऑथोराइज डीलर कम में ख़रीदता है ज़्यादा में बेचता है, क्योंकि ऑथोराइज डीलर का ये बिजनेस है, ठीक है। एक तो ये चीज़ याद रखें, और दूसरी क्वेश्चन में तो पहले आपको ये ढूंढना है कि आपको क्या ख़रीदना है और क्या बेचना है। मेरा मतलब है कि आप इम्पोर्टर है या एक्सपोर्टर है, आपको ये डिसाइड करना है। अगर आप इम्पोर्टर है मतलब से फॉर एग्जांपल से आपको डॉलर इम्पोर्टर है तो आपको डॉलर ख़रीदना है, आपको डॉलर ख़रीदना है मतलब अथोराइज डीलर को डॉलर बेचना है, आपको अथोराइज डीलर आपको बेचेगा सेलिंग रेट पे, अथोराइज डीलर सेलिंग रेट पे ही बेचेगा ना। तो आपको सिर्फ कमोडिटी प्राइस कॉन्सेप्ट याद रखना है बस, और कुछ भी नहीं। अब यहाँ तक तो ठीक है, ये सिंपल करेंस, ये एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे, आपको हाई लेवल पूछेंगे। अब इसके हाई लेवल पे बढ़ते हैं, मतलब क्रॉस करेंसी अगर पूछ लिया तो कैसे करना, ठीक है। समझो मैंने ये एग्ज़ाम्पल ही, अब ये एग्ज़ाम्पल आपने फिट कर लिया, आपने ये कॉन्सेप्ट लेके गए एग्ज़ाम में, अभी उल्टा ही चीज़ आ गया, डॉलर यहाँ पे आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है आपको 5 लाख डॉलर बाय करना है, डिसीजन फाइनल हो गया, लेकिन कमोडिटी तो ये साइड होता है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे पेपर में, डॉलर ये साइड दिया है कमोडिटी ये है। अभी सुनो सुनो ध्यान से सुनना, आपको अगर ये साइड जो दिया है वो बाय करना है, ये आपने डिसाइड कर लिया कौन सा रेट, वो मत फिक्स करना, ध्यान से सुनो, कौन सा रेट पहले वो मत फिक्स करना, पहले आपको ये साइड वाला डिसीजन लेना है, ठीक है। अगर ये साइड डॉलर दिया है, आपको पता है डॉलर आपको ख़रीदना है, मतलब आपको ये साइड जो दिया है वो बेचना पड़ेगा तभी आप डॉलर ख़रीद पाएंगे, समझे, ठीक है। यहाँ पे नहीं है एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। क्वेश्चन में दिया है यू आर एन इम्पोर्टर, यू नीड टू पे 5 लाख डॉलर, ठीक है। आपको अभी डॉलर, अभी ये डिसाइड मत करो ये रेट की, ये रेट ये डिसाइड मत करो, ठीक है, कौन सा रेट लेना है। आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि आपको डॉलर ख़रीदना है कि बेचना है। अभी ये क्वेश्चन में आपको डॉलर ख़रीदना है, मतलब आपको डॉलर ख़रीदना है मतलब आपको क्या बेचना है, ठीक है, बराबर यूरो बेचना है, ठीक है। डॉलर ख़रीदना है मतलब आपको यूरो बेचना है, सॉरी यहाँ पे मैंने पाउंड लिया है, मतलब आपको क्या करना है, डॉलर ख़रीदना है और क्या बेचना है, पाउंड बेचना है। डॉलर खरीद, आप ये रेट मत डिसाइड करिए पहले, बाद में डिसाइड करना, पहले आपको कमोडिटी डिसाइड करना है कमोडिटी क्या है, ठीक है। एक बार आपका कमोडिटी डिसाइड हो गया उसके बाद आप रेट डिसाइड करेंगे। आपको यहाँ पे क्या करना है, डॉलर ख़रीदना है मतलब पाउंड आपको बेचना है। अभी पाउंड आपको बेचना है तो ऑथोराइज डीलर क्या करेगा, ख़रीदेगा, ऑथोराइज डीलर का ये बाइंग रेट है, ठीक है। तो ये रेट हमारा फाइनल हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ,
जो ये सेम करेंसी होता है ना, सेम करेंसी वो हमेशा डिवाइड होता है, सेम करेंसी होता है तो वो डिवाइड होता है, ठीक है। और डिफरेंट करेंसी होता है, ये समझो ये या ये दोनों लिया, तो डिफरेंट करेंसी हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। मैं ये भी लिख देता हूँ आगे आपको, ये पहले ये समझ गए आप। 5 लाख जो है हमको अगर ख़रीदना है तो ये बेचना है, अगर ये बेचना है तो ऑथोराइज डीलर खरीदेगा, ऑथोराइज डीलर खरीदेगा बाइंग रेट पे। इससे आपको क्या मिल जाएगा, कितना यूरो आपको, आपने बेच दिया यूरो, अभी तो आप इंडिया में हो, यूरो आपको है नहीं, अभी आपने यूरो बेच दिया तो यूरो आपको बेचने से पहले खरीदना पड़ेगा। अभी आपको यूरो खरीदना है, नीचे यूरो खरीदना है मतलब ऑथोराइज डीलर यूरो बेचेगा, ठीक है। ऑथोराइज डीलर यूरो बेचेगा एट सेलिंग रेट। फिर से लेता हूँ मैं एग्जांपल, ये एग्जांपल में दिया है, आप इम्पोर्टर हैं, आप यू नीड टू पे 5 लाख डॉलर, मतलब आपको डॉलर्स खरीदने हैं, ठीक है, आपको डॉलर्स खरीदने हैं। अभी आप कंफ्यूज हो गए वो ऊपर वाले कमोडिटी प्राइस एग्जांपल से, ठीक है। आपको ये फिक्स नहीं करना है रेट पहले, आपको पहले कमोडिटी क्या है वो फिक्स करना है। आपने डॉलर खरीदना है मतलब आपने यूरो, सॉरी मैं बार बार यूरो इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपने पाउंड बेचना है, आपने पाउंड बेचना है, ऑथोराइज डीलर पाउंड खरीदेगा। अच्छा, अभी आपने पाउंड बेच दिया, आपके पास था ही नहीं, आप तो इंडिया में, आपने पाउंड तो बेच दिया, अभी आपको पाउंड बेचने के लिए आपको पाउंड खरीदना है, कितना पाउंड खरीदना है, जो ये फर्स्ट सॉल्व किया ना उसका जो आंसर आएगा उतना ही पाउंड आपको खरीदना है। अभी आपको खरीदना है तो ऑथोराइज डीलर आपको बेचेगा, अभी ऑथोराइज डीलर तो बैठा है धंधा करने के लिए, ठीक है, धंधा करने के लिए, तो वो कौन से रेट पे बेचेगा, हायर रेट पे, ठीक है। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप समझ चुके होंगे अब तक, ठीक है। अभी कुछ पॉइंट्स हैं, मैं चाहता हूँ ये लिख लें आप। ठीक है, व्हाट थिंग्स डू वी नीड टू सी इन क्वेश्चन। आप इम्पोर्टर है एक्सपोर्टर है, या फिर अगर इम्पोर्टर एक्सपोर्टर का क्वेश्चन नहीं आया तो आपको क्या खरीदना है क्या बेचना है। और एक चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और एक चीज़ और एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेम करेंसी है तो, हिंदी में लिख रहा हूँ, सेम करेंसी है तो डिवाइड, ठीक है, डिफरेंट करेंसी है तो मल्टीप्लाई, ठीक है, थैंक यू।